हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे कुछ इस प्रकार का फ़ोटो एडिटिंग। देख लीजिए, ये हमारा ओरिजिनल फ़ोटो है और ये एडिटिंग वाला है। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सो गाइस, हम अपने फ़ोटो को लेकर आ गए हैं स्नैपसीड के अंदर। तो इस पर सबसे पहले हम ट्विन इमेज में जाएंगे और एम्बिनियस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और सैचुरेशन को थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा माइनस, लगभग 5 से 4%। उसके बाद हाईलाइट थोड़ा सा कम, उसके बाद डन कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्टिव टूल में जाके जहाँ जहाँ अपना फेस ब्लैक है वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेंगे ताकि फ़ोटो अच्छा दिखे। तो मैं कर लेता हूँ। तो गाइस, ये हो चुका। चलते हैं अपने फ़ोटो को लाइट रूम के अंदर और यहाँ के काम खत्म हो, चलते हैं लाइट रूम के अंदर, वहीं पे सारा एडिटिंग टिप बताऊंगा मैं वह बिल्कुल। तो गाइस, आ गए हैं अपने फ़ोटो को लेके लाइट रूम के अंदर। तो हमारा यही फ़ोटो है, तो इसे थोड़ा बहुत हल्का सा रिटच एडिटिंग करेंगे। सबसे पहले अपने लाइट को ऑप्शन में जाके ब्लैक थोड़ा सा माइनस, वाइट पूरा 100% माइनस करेंगे, शेडो अपने हिसाब से इंक्रीज कर लेगा, हाईलाइट थोड़ा सा कम, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद कलर वाले मिक्स टूल पे जाके उसके बाद ग्रीन पूरा ह्यू इंक्रीज कर लेंगे, सेचुरेशन इंक्रीज करने के बाद येलो में इस सेचुरेशन ह्यू इंक्रीज कर लेंगे, सेचुरेशन पूरा माइनस। उसके बाद ऑरेंज टूल पे जाके सबसे पहले तो हम अपने सेचुरेशन को माइनस करेंगे, उसके बाद ल्यूमिनस को बढ़ाएंगे। देखिए फिर गोरा हो रहा है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बाद थोड़ा थोड़ा रेड है तो रेड टूल में जाके उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। देखिए मैं एडिट करता हूँ और टेक्सचर को कम, क्लैरिटी को ब्राइटनेस थोड़ा सा कम, ये दोनों इंक्रीज। उसके बाद सबसे मेन टिप है हमारा फेस स्मूथ करना। तो फेस स्मूथ करना है, इसी सेलेक्टिव टूल में जाके यहाँ से ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करके अपने फेस पे पहले कलर कर लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। तो गाइस, हम चलते हैं ऐसे ऐसे सारे फेस पे अपने कलर कर लीजिए। तो गाइस, हम फेस पे कलर कर लेते हैं वीडियो स्किप करके ताकि वीडियो लंबा ना हो। सो गाइस, हम अपने सबसे पिक शॉट के अंदर आ गए हैं एक बैकग्राउंड लेके। उस बैकग्राउंड को सबसे पहले हम रिसाइज कर लेंगे, यहाँ से रिसाइज करेंगे 10, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, मैं 23-65 लिख देता हूँ और इधर 35-46। देखिए आपका जो हमारे पहले कुछ भी करके देख लीजिए, जो सही लगे वो आ जाता है, लिख देता है नीचे, वही कर लीजिएगा। उसके बाद ऐड फोटो पे जाके अपने वही जो एडिट किए हैं फ़ोटो उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है, जिसको नहीं आता है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, जाके देख लेना भाई लोग, वहाँ से अच्छे से रिमूव करना बताऊँगा। और ये यहाँ भी देख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो यहाँ इरेज टूल पे आके उसके बाद पर्सन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड रिमूव करके दे देता है, वो भी फुल HD में। देखिए काफ़ी ऑसम। और जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जहाँ जहाँ ये नहीं कट गया है, तो मैं कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। सो गाइस, हम कर लिए हैं। उसके बाद अनुष्का वाला जो मॉडल है उसको ऐड करेंगे, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, बाकी जो PNG वो भी है। सो गाइस, ये हमारा अनुष्का वाला मॉडल है, इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। ये बैकग्राउंड PNG के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पे मैं सारा बैकग्राउंड PNG दे दूंगा, अच्छे से डाउनलोड भी कर लेंगे आप सभी लोग। जिसको बैकग्राउंड रिमूव नहीं करता, चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रख दिया है, उसको जाके देख लीजिए। तो हमारा फ़ोटो काफ़ी रेडी हो चुका है। उसके बाद फिर से हम ले चलेंगे इसको लाइट रूम के अंदर। तो लाइट रूम के अंदर मिलते हैं गाइस। सो गाइस, हम अपने फ़ोटो को लेके आ चुके हैं लाइट रूम के अंदर, जो काफ़ी यहाँ से हम बताएंगे अभी स्मूथ करना, अभी फेस को कैसे अनुष्का के जैसे एडजस्ट करना। तो सबसे पहले लाइट में जाएंगे, उसके बाद ब्लैक कम माइनस, वाइट को भी माइनस, शेडो थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट थोड़ा सा माइनस, कॉन्ट्रास्ट को भी हाईलाइट को थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद फिर से मिक्स टूल पे जाके ऑरेंज को थोड़ा सा माइनस और ल्यूमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। देखिए काफ़ी
अच्छा दिख रहा है हम लोग का फ़ोटो। उसके बाद टेक्सचर पे जाके ब्यूटी तो थोड़ा सा माइनस, उसके बाद फिर से सेलेक्टिव टूल पे आ जाएंगे और जहाँ देखिए हमारा हैंड काफ़ी ब्लैक दिख रहा है उसको सही हम करेंगे। तो पहले तो मैं इसे एक मिनट, तो गाइस तो ऐसे कलर कर लेंगे पहले अपने हैंड को हम। उसके बाद जैसे टेक्सचर पे जाके उसके बाद डी एज को थोड़ा सा माइनस करेंगे, काफ़ी हम लोग का हैंड अच्छा दिखे। उसके बाद डन कर देंगे और फिर सेलेक्टिव टूल में जाके अपने होठों पर लाली लगाएंगे। तो एक मिनट, तो भाई फिर से कलर पे आके हम अपने होठों पर लाली लगाएंगे। तो डन कर लेंगे ये। सो गाइस हम लोग का फ़ोटो देख लीजिए, ये बिफोर ये आफ्टर लाइट रूम में। तो ले के चलेंगे हम फिर से स्नैप सीट के अंदर, वहाँ से अपने अनुष्का को फेस को थोड़ा सा लाइट टू देंगे। उसके बाद सो गाइस हम आ गए अपने मॉडल को लेके स्नैप सीट के अंदर। उसके बाद सेलेक्टिव टूल में जाके जहाँ जहाँ थोड़ा सा डाउन लगे वहाँ वहाँ ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे ऐसे। ये हैंड पे थोड़ा सा पीछे ले लेंगे। उसके बाद इधर थोड़ा ब्लैक है मेरे मॉडल पे, तो ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट, फिर ऐसे हैंड पे इसे कर लेंगे। देखिए ये बिफोर ये आफ्टर। उसके बाद फेस पोर्ट्रेट में जाके अपने फेस को स्पॉट लाइट कर लेंगे ताकि हम लोगों का फेस और अच्छा दिखे। तो ये लोडिंग लेगा, आप लोग भी वेट कर लीजिएगा। सो गाइस वीडियो फुल वॉच कीजिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और अपने भाई से कुछ गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि पहली बार हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये देख लीजिए अच्छा दिख रहा है। तो उसके बाद हम अपने बिग्निटी ऑप्शन पे जाके थोड़ा सा स्टाइल स्ट्रेंथ को पूरा माइनस कर देंगे, सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज, ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज, उसके बाद बिग्निटी को थोड़ा सा कम, उसके बाद डन कर देंगे। तो देख हम लोगों का फ़ोटो बन के तैयार हो चुका है। तो फ़ोटो की क्वालिटी कम लगे आप लोगों को तो रेंजमी कर लीजिएगा, मेरा भी नेट इशू प्रॉब्लम है इसीलिए मैं रेंजमी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग रेंजमी कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का। उसके बाद चलते हैं भाई लोग, बाय बाय, मिलते हैं फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ भाई लोग, सपोर्ट मी।